नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्तमान में चल रहा परिदृश्य, यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें COVID-19 या कोरोना पेंडेमिक के बाद या उसके दौरान है क्या हो रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार उसमें गिरावट हो रही है, तो कोरोना से पूर्व दुनिया भर की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सुस्ती इकोनॉमिक स्लोडाउन रहा या छाई रही। अब कोरोना उसे बर्बाद करने में आग में घी का सा काम कर रहा है। कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को करारा झटका दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका हो या दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश अपना भारत हो, दुनिया भर की इकोनॉमी में कोरोना वायरस के चलते सुस्ती का आलम है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया प्रतिकूल प्रभाव का सामना कर रही है, हम सब जानते हैं, क्योंकि सब लॉकडाउन के कारण ऐसा हो रहा है और संक्रमण ज्यादा न बटे इसके लिए जगह जगह सभी देशों में लॉकडाउन अपनाया गया और अब धीरे धीरे उसे कम किया जा रहा है। इस कारण सभी उद्योग धंधे व्यापार सभी प्रकार की संस्थाएं बंद रही और स्पष्ट रूप से आर्थिक मंदी की गिरफ्त में आ गई है दुनिया भर की इकोनॉमीज। तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि महामंदी की ओर विश्व की दुनिया भर की इकोनॉमी, यानी जापान की इकोनॉमी में गिरावट, अमेरिका और कनाडा का भी बुरा हाल है। अमेरिका से लगाकर कनाडा भारत भी अछूता नहीं है। दुनिया भर के विकसित हैं विकासशील देश प्रभावित हुए हैं। मैं इस संदर्भ में 4-5 प्रमुख देशों की इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करूंगा या आपको बताऊंगा। अमेरिका की इकोनॉमी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट हुई है अमेरिकी की इकोनॉमी में। अर्थव्यवस्था यूएसए इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में 31.7% की गिरावट हो चुकी है अप्रैल से जून की तिमाही में। इससे पहले अमेरिकी इकोनॉमी में या अमेरिकी इकोनॉमी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ी गिरावट तिमाही में 1998 में आई थी। उस समय इकोनॉमी 10% तक गिरी 1998 में 10% गिरी 1998 में और 2020 में। तो अमेरिकी इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है। अमेरिका में 1929 की महामंदी के बाद सबसे ज्यादा इस वर्ष अप्रैल में लगभग 2,20,00,000 लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और बेरोजगारी की दर लगभग 16% तक पहुंची। तो कोरोना वायरस ने अमेरिका को बुरी तरह प्रभावित किया है और इकोनॉमी 31.7% तक गिर गई है, जो 1958 के बाद सबसे ज्यादा गिरी है। अमेरिका का बुरा हाल इसी संदर्भ में अगर मैं जापान की इकोनॉमी का जिक्र करूं, जापानी इकोनॉमी
अपना काम ये इकोनॉमी। जापानी इकोनॉमी में 2009 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। जापान में सरकार ने 1980 से जीडीपी का तुलनात्मक रिकॉर्ड रखना शुरू किया था और 2009 में आए वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस में जीडीपी में 17.8% की गिरावट आई थी जापानी की इकोनॉमी। 2009 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वित्तीय संकट आया था, उसमें 17.8% की गिरावट आई 2020 में जापानी इकोनॉमी में यानी दूसरी तिमाही 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून 28.1% की गिरावट रही। ये जापानी इकोनॉमी का बुरा हाल है। इससे पहले वाले महीने में 27.8% अनुमानित जापानी इकोनॉमी गिरी। इसके अलावा वहां फिलहाल रेस्टोरेंट और स्टोर्स बंद पड़े हैं। जापानी इकोनॉमी ट्रेवल्स एंड टूरिज्म कारोबार ठप है। जापान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निर्यात पर आधारित है, एक्सपोर्ट पर। लॉकडाउन के कारण निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है जापान का। इससे जापान की जीडीपी में भारी गिरावट हो रही है। अब तीसरी प्रमुख इकोनॉमी जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, कनाडा इकोनॉमी, कनाडा की अर्थव्यवस्था। जीडीपी में तिमाही आंकड़ों में 11.5% यानी 11.5% घटी है जीडीपी कनाडा में। अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में गिरावट यानी इससे पहले वाली जनवरी टू मार्च और फिर अप्रैल टू जून लगातार दो तिमाहियों में गिरावट हुई। अर्थशास्त्र के नियम के मुताबिक कनाडा आर्थिक मंदी में फंस चुका है। कनाडा में 1961 में पहली बार तिमाही आंकड़ा दर्ज किए जाने के बाद यह जीडीपी की सबसे बड़ी गिरावट है। कितने प्रतिशत गिर चुकी है? 11.5% है कनाडा की इकोनॉमी और 1961 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है कनाडा की इकोनॉमी में और लगातार दो तिमाहियों में गिर चुकी है। तो कनाडा की इकोनॉमी आर्थिक मंदी में फंस चुकी है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में अपने देश भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट हो चुकी है। 9% की गिरावट हो चुकी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% गिरी है और कंस्ट्रक्शन में 50% तक इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में गिरावट हो गई है कंस्ट्रक्शन। और एग्रीकल्चर सेक्टर 3.4% की ग्रोथ हुई है। यदि इस कठिन दौर में यानी कोविड-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी क्षेत्र ने धराशायी होने से बचाया है तो वह और कोई क्षेत्र नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसका जीडीपी में 15% योगदान है और 50% लोगों को रोजगार देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके योगदान को इंडियन इकोनॉमी में बुलाया नहीं जा सकता। 2021 को जो 21 की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून में जो ग्रोथ रेट इंडिया की जीडीपी गिरावट हुई है 23.9%
ड्राउट के बाद यह रियल जीडीपी में के मोर्चे पर है, देश को अब भारी झटका लग सकता है। विभिन्न एजेंसियों के मुताबिक यानी एक फिच एजेंसी जो अनुमान लगाती है, रेंटिंग एजेंसी है फिच, 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था रियल जीडीपी में 10.5 यानी 10% की गिरावट का अनुमान लगाया फिच ने। और एक दूसरी क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है 2021 में उसने 9% गिरावट का अनुमान लगाया है। यह है गिरावट अगर रही तो 1950 के बाद की सबसे ज्यादा गिरावट होगी। बहुत बुरे हाल है इंडिया की। आजादी के बाद चौथी उदारीकरण के बाद पहली मंदी है जो सबसे भीषण है। SBI की इकोरेप रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 10.9% की गिरावट हो सकती है इंडियन रियल जीडीपी में। तो मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अब कम कमाई और ज्यादा खर्च से बढ़ने वाली है मुसीबतें, क्योंकि जीडीपी का 7% तक राजकोषीय घाटा संभव है। जीडीपी का 7% फिस्कल डिफिशियट है, जिसको GFD कहते हैं, ग्रॉस फिस्कल डिफिशियट है, जो बजट में 3.5% का अनुमान था और कितना हो गया है 7% तक इसकी संभावना है। इसी के साथ साथ GST और इनकम टैक्स की भी मार पड़ रही है। इनकम टैक्स में 30.5% की गिरावट है पहली तिमाही में, और GST कलेक्शन में 34% की गिरावट हुई है। इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के कारण केंद्र सरकार का खर्च 13.1% बढ़ गया है। तो ज्यादा खर्च हो रहे हैं और आमदनी या कमाई कम हो रही है, इससे फंड की कमी खलेगी इकोनॉमी में। वर्ष 2021 की पहली तिमाही के GDP के आंकड़े अर्थव्यवस्था की तबाही का अलार्म है, यानी एक प्रकार का ये अलार्म है, घंटी बज चुकी है इकोनॉमी के बुरे दौर के लिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं PCI पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय, तो आंकड़ों के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी में 5.4% की गिरावट हो सकती है, गिरेगी पर कैपिटा, और ग्लोबल इकोनॉमी में यानी ग्लोबल लेवल पर 6.2% की गिरावट है पर कैपिटा इनकम में हो सकती है। साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के रीढ़ बैंकों की हालत भी बुरी है। बैंकों का NPA मार्च 2020 में 8.5% था, NPA 8.5% था 2020 में, और 2021 में मार्च 2021 में इसके 12.5% तक बढ़ने का अनुमान है। 12.5% का NPA हो सकता है बैंकों का, तो बैंकों की हालात है भी बहुत खराब है। इसी के साथ साथ गरीबों की संख्या भी 40 करोड़ के पास पहुंचने के अनुमान है गरीबों की संख्या। जो एक रिपोर्ट थी गरीबी के बारे में 2009 में, सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, सुरेश
तेंदुलकर कमेटी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 26,98,00,000 गरीब थे 2002 में, और सी रंगराजन 2014 में एक कमेटी बनी थी सी रंगराजन कमेटी, उसके मुताबिक 36.3 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 29.6% लोग गरीब रेखा के गरीबी बीपीएल लोग थे गरीबी रेखा के नीचे। और इस कोविड-19 पैनेडेमिक के बाद इंडियन इकोनॉमी में 40 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। इसी के साथ साथ अगर ये इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन किया, अब मैं पांचवी प्रमुख अर्थव्यवस्था सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर की इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करूं, तो 14 जुलाई 2020 को जीडीपी के त्रैमासिक आंकड़े वहां प्रकाशित हुए थे, उसके मुताबिक जीडीपी में सिंगापुर की इकोनॉमी में 41.2% की गिरावट हुई, जो बहुत गिरावट है। आज तक सिंगापुर के इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। तो हमने आज पांच प्रमुख इकोनॉमी के बारे में अध्ययन किया, इसी के साथ साथ अमेरिका, जापान, कनाडा के साथ दुनिया की बाकी विकसित अर्थव्यवस्थाएं जिसमें यूरोप में भी ऐसा ही हाल है, यानी यूरोपीय पाश्चात्य देशों का भी ऐसा ही हाल है, अमेरिका, कनाडा, जापान का है, सिंगापुर का ऐसा ही, विकासशील देशों का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसकी चपेट में है। तो कोरोना कोविड-19 पैनेडेमिक ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का बुरा हाल किया है और विश्व की अर्थव्यवस्थाएं महामंदी की ओर अग्रसर है। तो आज हमने विश्व अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी में वर्तमान परिदृश्य के बारे में अध्ययन किया, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।